नीड इम्पॉर्टेंस एंड प्रॉब्लम इन वुमन एजुकेशन तो सबसे पहले नीड एंड इम्पोर्टेंस की बात करते हैं नीड तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है तो आपको अगर किसी नेशन को एजुकेशन मिलनी चाहिए कि नहीं यही आंसर हो जाएगा कि वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए कि नहीं इंडिया में फिफ्टी परसेंट अराउंड पॉपुलेशन जो है वो वुमेन की है तो इफ़ वी डिनाई दैट तो हाफ द पॉपुलेशन को तो एजुकेशन मिली नहीं हम डेवलप कैसे होंगे सेकेंड इज़ अगर हम वुमेन uh, को एजुकेट करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ उसको एजुकेट करना नहीं है वी आर ऑल्सो एजुकेटिंग फैमिली एन इन टर्न हम अगर बड़े तरीके से देखें एक बिग पिक्चर देखें तो हम नेशन को ही डेवलप कर रहे हैं बट स्टिल इंडिया में हम लोएस्ट लेवल पे हैं एज पर वुमेन एजुकेशन अगर बात की जाए अब कुछ आंकड़े भी देख लेते हैं अगर आप किसी अनपढ़ Uh, uh, औरत को लेते हैं या वीमेन को लेते हैं इलिटरेट वीमेन का केस लेते हैं तो आप देखेंगे रिसर्च ने ये बताया है कि केस रहता है हाई फर्टिलिटी का एंड हाई मोटेलिटी का वो बच्चे भी ज़्यादा पैदा करेंगी और जो बच्चे हैं उनकी इन्फेंट जो मोटेलिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी और एक बहुत ही अच्छा कोरिलेशन है यहाँ पर कि अगर वीमेन लिटरेट होती है पढ़ी लिखी होती है तो जो इन्फेंट मोटेलिटी है जो छोटे बच्चों की जो डेथ मोर्टेलिटी रेट है वो हाफ हो जाता है जस्ट जैसे एजुकेशन कितना फर्क डालती है इलिटरेट वुमेन के चांसेस है कि बच्चा जो पैदा होगा उसकी अच्छी देख रेख नहीं होगी मेल नरिश्ड होगा वो अर्निंग पोटेंशियल भी जो है फैमिली का वो कम हो जाता है क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो वुमेन है वो डिपेंडेंट रहेगी वो अर्न नहीं करेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी नीचे आ जाता है अगर आप देखें तो रूरल एरियाज़ में अभी भी 57 सेवन परसेंट दो हज़ार का सेंसस देखा जाए तो 57 परसेंट जो है वो लिटरेसी रेट है जो बहुत ही लो है बट अर्बन केस में ज़्यादा है 80 परसेंट है क्योंकि अभी भी रूरल एरिया में वही पुरानी जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल थिंकिंग जो है वो प्रवलेंट है अगर लिटरेट वूमन होती है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ने पर प्रमोट करेगी प्रोत्साहन देगी और जो हमारी Uh, uh, है। जैसे जैसे ले ले लो आप ले लो आप जो जो है है उसे पता रहेगा कि और और वो मैंने की से लड़ सकती है। और अगर ये भी में हमारा हाथ बटाती हैं कंधे से कंधा मिलाती हैं मेल काउंटर पार्ट के साथ तो जी भी ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी तो नीड और इम्पोर्टेंस में कोई शक नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट तो रोक कौन रहा है वट आर द इंड्रेस बैरियर क्या है तो थोड़े से देखते हैं सबसे बड़ा बैरियर जो है वुमेन एजुकेशन में वो है कंजर्वेटिव ट्रेडिशनलिज्म यानी कि औरत को नीचा मानना मर्द के बराबर नहीं मानना अगर आप वैदिक पीरियड की भी बात किया जाए तो कहा जाता है कि वेद की जो शिक्षा थी वो औरतों को मना कर दी गई तो एक तरह से कह सकते हैं आधी पॉपुलेशन तो एजुकेट ही नहीं हुई क्योंकि उस टाइम एजुकेशन इज रीडिंग वे और ऐसी थिंकिंग ऐसा नहीं है पूरे इंडिया में प्रवलेंट है कहीं कम है कहीं ज़्यादा है बट अगर आप अर्बन और रूरल एरियाज़ में देखें तो रूरल एरिया में अभी भी ये काफ़ी प्रवलेंट थिंकिंग है डेवलपमेंट ऑफ इमोटेलिटी एक इशू यहाँ पर आ जाता है सूटेबल करिकुलम नहीं होता अभी भी अगर आप हमारे जो बुक्स हैं उसका जो करिकुलम है वो वुमेन को एक गर्ल चाइल्ड को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है तो ये भी एक बैरियर आता है लैक ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस क्योंकि अगर आप देखें जो वुमेन होगा किसी भी फैमिली में वुमेन होंगी वो सोसाइटी में ज्यादा उनको कॉन्शियसनेस होता नहीं है क्योंकि उनमें काफी बैरियर्स होते हैं आप मिल नहीं सकते जिस तरह से लड़का बाहर घूमकर कर सोशल रिलेशन स्प्रेड करता है लड़कियाँ उतने नहीं करते हैं तो वो जो लैक है सोशल कॉन्शियसनेस का वो भी रहता है इसमें एक चीज हेल्प कर सकती थी कि अगर कोई टीचर लेडी होता बट दैट इज़ ए प्रॉब्लम क्योंकि स्कैरसिटी रहती है कम लेडी टीचर रहते हैं और अगर लेडी टीचर हो भी तो वो रूरल एरियाज़ में कोई नहीं जाना चाहता क्योंकि रूरल एरियाज़ को विजेस को पिछड़ा माना जाता है तो वहाँ कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता अगर लेडी टीचर मिल भी जाती है तो शी डजन वॉन्ट टू सर्व इन द व विज़ तो दैट इज़ ऑल्सो प्रॉब्लम और ऑफिशियल्स भी जो हैं जो डिफरेंट गवर्नमेंट uh, जो हमारी पॉलिसीज uh, हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में लगे हैं उनका इंथ्यूजिज्म जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फिनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी एक पॉइंट बोल सकते हैं फिनेंशियल डिफिकल्टीज भी हैं प्रॉब्लम फॉर वुमेन एजुकेशन ट्रांसपोर्टिंग इज़ ऑल्सो क्योंकि कई बार गांव से दूर है थोड़ा सा दूर है स्कूल तो uh, uh, जो पेरेंट्स है वो नहीं भेजना चाहते बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे अगर आप रूरल एरिया में देखें तो समझेंगे इस चीज़ को और को एजुकेशन ऑल्सो कहीं तो चाहते ही नहीं है कि वो साथ में लड़कियां जो हैं वो साथ में बैठे लड़कों के क्योंकि को एजुकेशन ज़्यादातर प्रवेलेंट होने लगा है तो दैट इज़ ऑलसो अ कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल जो है वो दिमाग में बसा हुआ है और सबसे बड़ा इशू जो आता है वो आता है वेस्टेज एंड टेगनीशन का यहाँ पर ये हार टॉक हार्टॉक ने दिया था 1929 में अपनी कमेटी रिपोर्ट में तो इसका मतलब क्या है वेस्टेज मतलब जो ड्रॉप आउट्स हैं वेस्टेज को अगर आपने लिंक करना है तो आप ड्रॉप आउट से लिंक कर सकते हैं और स्टैगनेशन को जैसे आप बोलते हैं कि एक ही क्लास में दो साल लग गए तीन साल लग गए तो दिस रेट इज़ वेरी हाई इन वुमेन जैसे जैसे अगर आप प्राइमरी एजुकेशन देखें फिर हाई और सेकेंडरी देखें फिर हायर सेकेंडरी देखें तो आप देखेंगे कि, कि ड्रॉप आउट जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि वुमेन को माना जाता है कि बिकॉज नो पढ़ लिख कर दे कैन दे कैन सीडर एट होम वो किसी से शादी कर लेंगे इकोनॉमिक डिपेंडेंट हो जाए तो इकोनॉमी उनको अपने पैरों पे खड़ खड़ा होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता जितना मेल का माना जाता है तो ज़्यादातर अगर रूरल एरियाज़ में देखें तो लड़के को पढ़ाना की ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी रेदर दैन लड़कियों की हालांकि ये हर जगह सही नहीं है बट जनरली ऐसा ओवरऑल क्या कह सकते हैं हमारी प्रॉब्लम ज़रूर है तो होपफुली आपको समझ आया होगा ये वीडियो आ, सी इन द नेक्स्ट वीडियो